नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। नजीबाबाद के ग्राम रानीपुर का लड़का राजेंद्र कल पेपर देने के लिए RSM कॉलेज धामपुर गया था, घर नहीं लौटा। रात 9:30 बजे उसका आखिरी फ़ोन आया, पापा मुझे बचा लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे गांव का एक रानीपुर का लड़का है, उसका नाम राजेंद्र भाई, कल 9:30 बजे जो है वो रेलवे ट्रैक को खाया गया है। अब ये तो बता रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही हमें पता चला, हम रात के विषय में यहाँ आए थे। अब वो बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर गई है, उसी के लिए पंचनामा भराया जा रहा है थाने में। क्या लग रहा है आपको? अब देखो, जो पुलिस कार्रवाई करे इस पर, क्या इसके तय तक पहुँचेगी। वैसे हमें तो यही लग रहा है कि मर्डर केस है। मर्डर के नाम क्या था उसका? राजेंद्र। कहाँ का रहने वाला? ये रानीपुर का रहने वाला है। आपको उसका अब कुछ कह नहीं सकते। बाकी एक पैर जो है उसका ट्रेन की पटरी के नीचे कटा हुआ है। अच्छा, बाकी जो है छानबीन करने पर पता चलेगा। कहाँ गया था लड़का? घर से पेपर देने के लिए निकला था। उसमें कहाँ? धामपुर के लिए। अच्छा, पेपर देख के घटना किस टाइम की है, या किस टाइम मिला? ये 9:30 बजे की, नजीबाबाद सेंट मेरी स्कूल के सामने जो पुल बना हुआ उसके नीचे की घटना है। पुल के नीचे मिला था पड़ा हुआ? हाँ, हमें तो बाद में पता चला, लेकिन पहले तो पुलिस वाले पहुंच गए थे, उन्होंने ही हमें फ़ोन करा था। अच्छा, फिर हम जब तक पहुंच नहीं पाए थे तो डेड बॉडी जो है उन्होंने बिजनौर रेफर कर दी। तो उसके साथ में कोई लड़का था, पेपर देने गया था, अकेला था वो? ये तो घर वालों को उनके पता होगा, लेकिन यहाँ से तो अकेला ही गया था गाँव से। तो पेपर किस टाइम से था? पेपर शायद 10-11 बजे का लगभग। और बॉडी किस टाइम मिली? बॉडी मिली शाम को 9:30 बजे, रात 9:30 बजे। आपका? राजकुमार नाम। कहाँ का रहने वाले हैं आप? आपने जो लड़का कल हत्या मर्डर हुआ या हत्या है जैसे भी, वो कहाँ देखा था आपने? किस टाइम देखा था? 4 बजे, शाम 4 बजे। क्या कर रहा था वहाँ पर? बस वहाँ मिला था वो मुझे, मिल के भगा गया था घर के लिए। आप चले गए थे घर को? अकेला था साथ में ना कोई? अकेला था वो। 4 बजे बताऊँगा भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या हुआ आपके साथ? लड़के के पेपर देना गया। कहाँ? रामपुर। किस टाइम गया था घर से? कल 8:30 बजे। अच्छा, पेपर किस टाइम से था? 11 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, पेपर दे के आ गया, लौट गया नजीबाबाद। अच्छा, नजीबाबाद कुछ उसने एक होटल का कुछ खाया। अच्छा, बाकी फिर तो घर नहीं गया उसके बाद। फिर उसका क्या हुआ? बस ट्रेन को मिला 9:30 बजे रात को। 9:30 बजे ट्रेन के? 9 बजे उसने कहा कि पापा मुझे बचा लो। बस मतलब आपकी बात हुई उन फोन पर? यही बात हुई। और किस टाइम हुई बात? 9:15 बजे। 9:15 बजे पापा मुझे बचा लो। आपने क्या कहा फिर? बस और कोई बात ही नहीं हुई उससे। तो यानी कि हलो हलो करता रहा बाकी फिर। उसके साथ और कोई भी होगा जब दबाव उबाव में हो सका है वो, किसी है कोई रंजिश? कुछ नहीं, हाथ बंधे हुए उसके। अच्छा, हाथ बंधे हुए थे दोनों? हाँ। अच्छा, जो तो कोई मतलब किसी है कोई दुश्मनी या कोई? आप कोई बता रहा था कि दुकान खोलने वाला था वो? दुकान? हाँ। किस चीज़ की दुकान खोल रहा था? ये फोटोग्राफी की, कागज ऑनलाइन करने की। कहाँ पर? भोजपुर। अच्छा, भोजपुर में। भोजपुर पहले एक दुकान कर रखी थी वहाँ? नहीं, पहली बार ही कर रहे थे। पहली बार। कितनी उम्र होगी लड़के की? 22 साल। नाम क्या था? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? कौन धामपुर कौन से स्कूल में था? RSM इंटर डिग्री कॉलेज में। किस चीज़ का पेपर था? गणित का। आपको सूचना किस टाइम मिली? 9:30 बजे। 9:30 बजे पुलिस ने आपको सूचना दी? हमें दी 11:30, 10:15 बजे। 10:15 बजे जी। तो फिर जब हम उनको फ़ोन करते रहे फोन नहीं उठाया हमारा किसी। अच्छा, बस उसके बाद जब हम फोन करते रहे, जब उन्होंने जब रेफर कर दिया तो मान लीजिए जब पुलिस को सूचना किसने दी फिर? पुलिस कैसे पहुंची? ये तो ये नहीं पता होगा। रात में पुलिस तो कहीं जाती नहीं है। ये तो ये नहीं पता होगा मान लो कैसे। ये सूचना किसने दी पुलिस को? आपने बुझा पुलिस से? कोई बताने को तैयार नहीं।
भाई रात की घटना कौन बता रहा है, दिन में ही जाते हैं लोग, रात में कैसे जगह हैं।